हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एडमिट कार्ड के संबंध में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि 18 सितंबर को जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आपको अपना एडमिट कार्ड है वो 19 सितंबर से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। SSO ID के माध्यम से आपको अपना एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड करना है, प्रिंट ले लेना है। इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि एडमिट कार्ड किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप में आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है, जो दो डेट को आपका एग्जाम होगा और इसमें भी दो दो पारियां दी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके चार चरणों में है जो ये पेपर है जो क्लियर होने वाला है। और आपका अपना एडमिट कार्ड है वो राजस्थान SSO की साइड है, उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल जहाँ आपने फॉर्म फिल किया था उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। और उसके अलावा जो इसकी जो साइड है RSMSSB की, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की साइड है, उससे भी आप अपना ले सकते हैं एडमिट कार्ड। और उसके बाद में आप एडमिट कार्ड का PDF आपने फॉर्म फिल किया था उसमें अगर आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है तो वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाती है, मगर वो हो सकता है एक दो दिन बाद लेट मिले। तो आज अपन इस वीडियो में अभी एडमिट कार्ड निकालने का प्रोसेस समझते हैं। तो सर्वप्रथम आपको अपना यहाँ पे स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पे ओपन कर लेना है। SSO ID यहाँ पे ओपन कर देनी है और उसके बाद में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड के संबंध में। तो वहाँ से भी आप अपना एडमिट कार्ड है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर जैसे आ जाएगा आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एडमिट कार्ड के संबंध में, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड पे आना होगा और यहाँ पर आपने जो फॉर्म फिल किया है ग्रेजुएशन लेवल का वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड इस तरीके का टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड है जो शो हो जाएगा। उसके अलावा आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइड है वो ओपन कर देनी है और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पर एडमिट कार्ड का टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एग्जाम सेलेक्ट करना होगा कि आपका कौन सा एग्जाम है और ये सेशन सेलेक्ट करना है, आपका एग्जाम सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिंक है जो मिल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ जानकारी फिल करनी होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में डाउनलोड वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और DOB दर्ज करने के बाद में आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद में एडमिट कार्ड निकालने का एक और ऑप्शन है जो कि आपके व्हाट्सएप पे PDF के द्वारा भेजा जाएगा। PDF उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मगर व्हाट्सएप पे PDF है वो एक दो दिन बाद लेट आता है, तो आप इस तरीके से है जो अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका एडमिट कार्ड है जो 19 सितंबर को जारी होगा, जो कि 6 बजे के बाद में, इसका विशेष ध्यान रखें। इसी तरीके के नवीनतम अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली नवीनतम अपडेट आपको सर्वप्रथम मिल सके। थैंक यू।